السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر رک جاتے ہیں. कंटिन्यूइंग विद ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस, मैं आज ये ब्लॉग خیر بہرحال تو خیر آج بلاگ کی بات کرتے ہیں. دس از دا ڈائریکشن ٹوڈز دس از ایسٹ پاکستان، دس از نارتھ ایسٹ، اسلام آباد، افغانستان، رشیا اینڈ دیز آر دا ریجنس ہیئر آئی ایم کمنگ ود میک دیز اسکائی اینڈ کلاؤڈز and clouds always go from west to east. So this is north, this one is the direction of north, and this is even east. Well, I'm talking to Islamabad today. If Islamabad is listening to me, then they unko shayad maloom hoga, kuch din pehle jab wahan par zalzale ka ek chatka bhi aaya. میں کراچی میں رہتے ہوئے میری کچھ ریسورسز کے کچھ ریسورسز سے مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر جیمرز جو ہیں ڈپلائی کیے گئے ہیں کراچی میں ٹو
स्टॉप आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, इफ अगर कोई ऐसा कोई मामला हो तो उसके लिए सेफ्टी के लिए एज पर प्रिकॉशंस। बट उसके बाद से 2007 में एक आया था अर्थक्वेक, मुझे याद है हमारा पाकिस्तान नेवी जो है ये काम करता है, लेकिन ये कि पाकिस्तान दीगर पार्ट्स में जो है दीगर दूसरे इलाके जो है उनके अंदर पाकिस्तान नेवी काम नहीं करता है। मैं अपने इट्स माई कंक्लूजन, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ और इन चीज़ों के बारे में जो मेरी हालात वाकयात और ये चीज़ें पता लगती रहती है, आई एम जस्ट एनालाइजिंग थिंग्स लाइक दिस। इट डजंट मैटर कि ये वाकई में कोई, मैं आपको जो है बिल्कुल ही हकीकत बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा मुमकिन है कि यही हो, ये कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, मतलब इतना भी मैं कोई वो नहीं हूँ कि बिल्कुल ही पागल में आपको बिल्कुल बना रहा हूँ, लेकिन ये कि इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है मेरी बात के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सदाकत से मुराद ये कि कराची के अंदर जो है जैमर्स लगाए गए हैं कुछ इलाकों में, बलूचिस्तान के करीब लगाए गए हैं ताकि जलजला वक्त से रुका जा सके, जिनको कहना चाहिए सैटेलाइट जैमर्स जो कि अननेसेसरी वेव्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो वेव्स जो हेमिस्फीयर से भेजी जाती हैं बाकायदा उसके ऊपर रिसर्च करके काम किया गया है। खैर ये मेरा इसमें इतनी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, सिंपल आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इस्लामाबाद बी केयरफुल, क्योंकि मैंने जैसे आपको अपने पिछले व्लॉग में मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, बट अगर आप लोगों ने देखा है व्लॉग तो अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो उसको देख लें। उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि क्यों अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और अर्थक्वेक से जो है नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी इन्वेस्टर आ सकता है और वो जो है उस जगह को, शहर को दोबारा डेवलप करने की कोशिश कर सकता है। तो कराची का भी इस तरह का हो सकता था सिनेरियो, बन सकता था कराची भी जो पोर्ट्स एरियाज हैं जो महंगे इलाके हैं वहाँ पर अर्थक्वेक भेजा जा सकता है और फिर उसके बाद उसमें रियल इस्टेट को जो है ग्रो किया जा सकता है, नए छोटी बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े करे किए जा सकते हैं। तो यही सेम सिनेरियो इस्लामाबाद में भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को मालूम है इस चीज़ के बारे में तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग कोशिश करेंगे वहाँ पर जैमर जो है डिप्लॉय करवा लें ताकि आप अर्थक्वेक से सेफ रह सकें। प्रिकॉशंस के तौर पर बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, अगर नेचुरल होगा तो कुछ वो नहीं है, बोलते हैं हार्ट के ज़रिए भेजा जा सकता है अर्थक्वेक और ये सब रिसर्चेज वगैरह मौजूद है। खैर मैं बिल्कुल बिलावज में बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग समझते हैं उनको ये चीज़ वाकई में समझ में आ जाएगी कि इसी तरीके से होता है। बहुत सारी जगहों पर जो है सेटेलाइट अर्थक्वेक जो है वो आर्टिफिशियली सेंड किए गए हैं और इसका जो है शवाहिद भी मौजूद हैं, हमारे इंटेलिजेंस वगैरह की रिपोर्ट्स भी इसके ऊपर मौजूद हैं कि इस तरह से हो सकता है। तो मैं सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पर जैमर्स अप्लाई करवाएं। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट वहाँ पर ये काम करेगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान नेवी से कॉन्टेक्ट किया जाए तो पाकिस्तान नेवी जो है उस चीज़ को, जो यहाँ के रडार सेक्शंस हैं और जो इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं डिफेंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी का तो आपको मालूम है माशाल्लाह से कितने उनके जो है खसूसियात हैं, वहाँ फॉग भी आया है और उसके अलावा दीगर चीज़ें भी इस्लामाबाद में होती रही हैं, लेकिन ये कि मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कराची में ऐसा कुछ नहीं है। कराची में जो है अल्लाह ताला का बड़ा लाख लाख शुक्र है और ना ही यहाँ पर हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को आने की इजाज़त नहीं देते और ना यहाँ पर भी ये चीज़ें जो है अहम खाना हरकतें शुरू हो जाएंगी। ये बहुत मॉडर्न वॉरफेयर है और ये टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है, इसमें वेपन्स कम यूज़ किए जाते हैं, ड्रग्स ज़्यादा यूज़ की जाती है। हाफ लाइफ फार्मूला आई हैव एक्सप्लेन ऑन माय थ्रेड्स। सो मैं कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं जो है इस चीज़ का आपको बताऊँ, ये चीज़ें वहाँ पे लोगों को पहले से ही बताऊँगी, लेकिन ये कि करप्शन मैटर्स, तो ये ऐसा ना हो कि उन लोगों को अपने आर्मी खुद ही प्रोजेक्ट लगाना चाह रही हो या कोई उसमें मिल चुका हो या कोई आर्मी को थ्रेट्स हों अंडरवर्ल्ड के या उनके पास एक्सक्यूज़ हों, तो ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो ऐसा होने से पहले अगर कर लिया जाए तो अच्छी बात है। मुझे अगर वहाँ जैमर्स लगे हुए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे लगाए उन्होंने जैमर्स, बिकॉज दे नीड प्रोजेक्ट्स इन इस्लामाबाद।
ये कराची में भी चाहिए था, बैरिया टाउन बना है तो बैरिया टाउन में अभी तक जो है कराची में अभी तक सही से मतलब ये कि आबाद नहीं हो सका है। तो अगर एक आध यहाँ झटका अगर पड़ गया तो फिर शायद लाजमी कराची में पड़ जाए तो वहाँ पर आबादी बढ़ सकती है, और यहाँ पर अगर झटका पड़ जाए काफ़ी डिमोलिश हो जाए बिल्डिंग्स, तो नई बिल्डिंग्स खड़ी हो सकती हैं तो जगह खाली हो जाएगी, वैकेशन हो जाएगी। जैसे अब बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, खैर बहरहाल मैं बस इस्लामाबाद वालों को यही कहना चाहता था और यही मेरा ब्लॉग था। मैं जो ब्लॉग बनाऊंगा दूसरा तो वो मैं दोबारा से अपनी ऑडियंस से बात करूंगा। दिस ब्लॉग वॉज फॉर इस्लामाबाद फॉर द पीपल ऑफ इस्लामाबाद, दोज़ हू लिविंग इन इस्लामाबाद। और मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर लगे हुए जैमर्स, सेटेलाइट जैमर्स, अर्थक्वेक जैमर्स तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगे तो आप लोग लगवा लें वहाँ पर। इस चीज़ के बारे में नॉलेज जो है थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा करें लोगों के अंदर, अगर आप लोग कर सकते तो। दिस वाज माय व्लॉग अबाउट। वैसे ये बड़ा अच्छा व्यू है मेरा यहाँ से, लेकिन ये होली काबा नहीं है यहाँ पर, मैं होली काबा की तरफ मुझे अच्छा वो रहता है, मेरा रुझान ज़्यादा उसी तरफ रहता है, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा व्यू है। अगर बात की इस्लामाबाद से अफगानिस्तान और ग्रीनलैंड इधर है, ग्रीनलैंड रशिया भी इस तरफ है, बड़ा अच्छा ओपन काफ़ी व्यू है यहाँ, और भी यहाँ पर बहुत सी वो हैं चीज़ें। पंजाब का भी इसी तरफ लगेगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर इसी डायमेंशन में हम जाएंगे तो सब केपी भी इसी तरफ लगेगा अगर, हाँ केपी भी इसी तरफ है, इसी डायमेंशन नॉर्थ में केपी के नॉर्दर्न एरियाज ना, केपी के भी इसी तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ इस तरफ ही केपी के होगा, इसी तरफ होगा। तो खैर आप लोग खुश रहें इस्लामाबाद वाले जितने भी हैं वहाँ पर, और अपना ख्याल रखें। और जैमर्स अगर आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, ताकीद कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा बड़ा जलजला आया था, 5.9 के करीब था, और अगर वो 6 से अबव चला जाता तो गिर जाता इस्लामाबाद में, जो कुछ भी बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बन जाता। दिल्ली तक गया है वो, काफ़ी बड़ा शौक था, और ये आर्टिफिशियल ही था आई गेस, दे प्लानिंग फॉर दिस, दे टेस्टिंग एवरीवेयर। अल्लाह ताला को करना होगा कि आप लोगों की किस्मत अच्छी थी, कोई नेका माल आप लोगों के काम आ गए, वरना हो गया था काम। इससे पहले आ चुके हैं, केपीके में भी आ चुके हैं, अरे दीज थिंग्स आर प्रूवन, आई डोंट हैव टू प्रूव दैट कि ये जो है इस तरीके से हो सकता है। और अगर जब एक चीज़ हो ही सकती है तो फिर उसके लिए क्यों ऐसा मौका छोड़ा जाए, ये दिस इज़ अ क्वेश्चन। ओके तो प्लीज़ वेरीफाई दीज। ओके अल्लाह हाफ़िज़।